गुरु जी, आजकल जमाना बदल गया है। पहले सिर्फ लोग समझते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या आईपीएस बने, लेकिन आजकल इतनी सारी फील्ड हो गई है और बच्चे भी कंफ्यूज हो गए हैं माँ बाप के साथ साथ कि किस फील्ड में भेजें अपने बच्चों को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। क्या कुंडली में ऐसे कोई योग होते हैं जिनसे पता चल सके कि हमारा बच्चा खेलकूद में करियर बनाएगा, उसमें जाएगा? बिल्कुल बेटा, ये जन्म कुंडली के अंदर ही योग बनता है इसका। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति शनि के घरों में हो और शनि खुद स्वयं अच्छे घरों के अंदर बैठा हुआ हो, यानी बृहस्पति जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठे हो और शनि भाग्य स्थान में या दूसरे घर में या छठे घर में बैठे हुए हो, और ऐसे में केतु भी मित्र हो, यानी कि इनमें से किसी न किसी के साथ में केतु का संबंध हो, तो छोटी उम्र में, यानी कि 16 साल की उम्र से ही ये योग बिल्कुल प्रबल हो जाते हैं। जैसे आज की डेट में हम अगर खिलाड़ियों की कुंडली देखते भी हैं, चाहे वो फुटबॉलर हों, चाहे वो क्रिकेट खेलने वाले हों या किसी भी खेल के अंदर हों, जो कि हाथ से खेलने का काम है, दिमाग के अंदर इंस्टेंट विचार ला करके भागने दौड़ने के जितने भी खेल है बेटा, इन सब के अंदर बृहस्पति शनि और केतु का ही खेल होता है। और लाल किताब में तो वैसे ही कहा जाता है कि शनि अगर जन्म कुंडली के छठे घर में और केतु 10वें घर में हो तो आदमी बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा और जो भी खेल खेलेगा वो पूरा ही खेलेगा। समझे? जिनका बृहस्पति शनि के साथ संबंध में हो जाता है और शनि अच्छे घरों में होते हैं, इन बच्चों की किस्मत के अंदर लिखाई पढ़ाई के सुख नहीं होते। आप देखिए कि ज्यादातर सिर्फ अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी जितने भी खिलाड़ी हुए हैं उनको सरकारी सपोर्ट उनको मिलती रही है, परंतु उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत उत्तम दर्जे की नहीं हुई, उनके खेल कूद के बिहाफ के ऊपर ही उनको नौकरियां मिलती हैं। और हमारे यहां भी, इंडिया के अंदर भी बेटा, खेल के जरिए सरकारी कोटा होता है जिसके अंदर की नौकरियां मिलती हैं। समझे? तो बेटा, ये बृहस्पति शनि और केतु जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर आपस में जुड़े हुए और शुभ घरों के अंदर होते हैं, वो बच्चे वाकई में बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं। और जिनके लगन के साथ में बृहस्पति शनि और बुध का संबंध बनता है, वो लोग दिमाग की गेमों के अंदर ज्यादा अच्छा कामयाब हो पाते हैं। और जिनके लग्न के अंदर मंगल और राहु का संबंध बन जाए, यानी कि लग्न का संबंध मंगल और राहु के साथ बन जाए, वो लोग जो कुश्ती वगैरह जोर लगाने वाली जितनी भी खेल होते हैं या कबड्डी भी लगा लीजिए, इन सब के अंदर बेटा बहुत ही अच्छा पराक्रम दिखाते हैं। तो बेटा, जन्म कुंडली ही ऐसी एक चीज है जिससे ये जाना जा सकता है कि आपका बच्चा किस करियर के अंदर जा सकता है या किस तरह के खेल कूद के अंदर अपना भविष्य बना सकता है।